गूगल अर्थ पर मिली अजीबोगरीब चीजें। सबसे पहले अगर आप गूगल अर्थ पर जाकर नॉर्मन स्केल सर्च करोगे और साइड में जूम करके देखोगे तो एक अजीब चीज दिखाई देगी। दरअसल ये एक क्रैश प्लेन है। कहा जाता है कि कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार का प्लेन है, जिसके जरिए वो ड्रग्स की सप्लाई यूएसए तक पहुंचाता था और नॉर्मन स्केल पर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता था। लेकिन एक दिन ये प्लेन क्रैश हो गया, तब से वहीं पड़ा है और आज तक इसे बाहर नहीं निकाला गया। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। अगर आप सर्च करोगे इरुगुआ आइलैंड और थोड़ा सा जूम करने पर आपको नॉर्मल सा एक वाइट घर दिखाई देगा और इस पर क्लिक करने पर आपको एक डरावने रूम की इमेज दिखाई देगी, जिसके गेट पर लिखा है कि आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। और इस रूम में और भी ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिन्हें मैं YouTube पर दिखा नहीं सकता। कैमरे के सामने मुस्कुराकर खाना बनाने वाला इस इंसान को हर कोई जानता है, लेकिन मेरे दोस्त इस इंसान की स्माइल के बारे में इंटरनेट पर बोले गए सबसे बड़े झूठ के बारे में शायद आप नहीं जानते। सीजियन बुराक नाम के इस हंसते हुए इंसान के हाथ से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान को इनके हाथ से खाना खाना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। 1995 में जन्मे महज 26 साल के बुराक केवल अपनी स्माइल और कुकिंग के दम पर $11 मिलियन के मालिक हैं, लेकिन यह इंसान अपनी इनकम का 30% डोनेट कर देता है। लेकिन अब बात यह है, सबसे दुखी करने वाली बात जो आपने इंटरनेट पर जरूर सुनी होगी, कैमरे के सामने हंसने वाला ये इंसान ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी बाकी बची जिंदगी मुस्कुराकर और लोगों की मदद कर बिताना चाहता है। अब आप इनके लिए दुआ करो। उससे पहले बता दूं कि ये जानकारी बिल्कुल फेक है। इनकी ओर से ऑफिशियली ऐसा कभी नहीं बताया गया कि इनको कोई बीमारी है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आपको इनके हाथ का खाना खाना है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इनके रेस्टोरेंट में 2 लोग 400 दिरहम यानी 8,800 रुपए में खाना खा सकते हैं, लेकिन ये आपको सर्व करने नहीं आएंगे। समुद्र की गहराइयों में मिली ऐसी रहस्यमय चीजें जो आपके होश उड़ा देंगी। नंबर 1, स्केलेटन। साल 2015 में एरिजोना के एक ड्राइवर ने समुद्र में 2 स्केलेटन देखे, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से डर गया। जब उनके करीब गया तो उसने देखा कि वो दोनों कुर्सी पर बंधे हुए थे और उनकी आंखों पर चश्मा भी लगा था। उसने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। फिर जांच करने पर पता चला कि ये प्लास्टिक के कंकाल थे, जिन्हें कुछ स्कूबा ड्राइवर ने प्रैंक करने के लिए वहां पर रखा था। नंबर 2, सी क्रिएचर। दोस्तों 2017 में सोशल मीडिया पर जलपरी जैसे दिखने वाले इस जीव का वीडियो खूब वायरल हुआ था। कई लोगों ने कहा कि इसे समुद्र से निकाला गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसे म्यांमार के एक आर्टिस्ट ने लकड़ी और फाइबर के इस्तेमाल करके बनाया था। आर्टिस्ट ने उसके गले में एक मोटर भी लगाई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में सांस ले रहा है। नंबर 3, आई ऑफ सी मॉन्स्टर। साल 2012 में फ्लोरिडा के पाम पानो बीच पर एक बहुत ही बड़ी आँख मिली। इसे देखकर लोगों का कहना था कि ये समुद्र में मौजूद किसी बड़े मॉन्स्टर की आँख है, और उसकी जाँच करने पर पता चला कि ये आँख किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक स्वॉर्डफिश की थी।